सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भक्ति का एक सिद्धांत है सज्जनों। भक्ति का क्या सिद्धांत है बोलो? भक्ति का ये सिद्धांत है, अपने आप को तिनके से भी छोटा समझना। अपने आप को तिनके से भी छोटा समझना, वो है भक्ति का सिद्धांत। भागवत जी में लिखा, तृणादपि सुनीचेन, तृण माने घास, तृण कहते घास के तिनके को। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सुहर्षिणा अमानिना मानदेन कीर्तन्ये सदा हरि। कभी भी छाती तान के मत चलो, हमसे बड़ा कोई नहीं है, झुक के चलो। भैया हम तो एक छोटे से इंसान है, एक छोटे से इंसान है, कभी छाती तान के इसे मत चलो। और जिसमें भक्ति का सिद्धांत, भक्ति का पुट लग गया है, किसी आदमी में ज्यादा ज्ञान हो, बहुत बड़ा ज्ञानी हो, और ज्ञानियों में अग्रगण्य हो, और ज्ञान के बाद आपसे निवेदन कर दूं कि कहीं भक्ति की उसमें पुट नहीं लगी हो, तो समझ लो ज्ञान पंगु है, पंगु लंगड़ा है, कोई काम का नहीं है। ज्ञान के साथ में भक्ति होनी अति आवश्यक है। हमारे भागवत जी में तीन धारा बहती है, तीन धारा। ये माताएं होती है ना, माताएं बहने, ये जब अपनी चुटिया गूंथती है, समझते हो चुटिया पीजे, तो चुटिया गूंथती समय इनके यहां ये बालों को तीन जगह तीन भाग में बांटेगी, गंगा यमुना सरस्वती, तीन जगह बांटेगी और तीनों को फिर मिलाएगी। मिला के अलग अलग गूंथना जब शुरू करेगी ना, तो दो भाग आपको दिखाई देंगे, तीसरा लोप हो जाएगा, दो ही भाग आपको ऐसे दिखाई देगा, बीच वाला सरस्वती जो है वो लोप हो जाएगा। गंगा यमुना सरस्वती, आज भी देख लो त्रिवेणी संगम, हम लोग जब जाते हैं प्रयागराज, तो प्रयागराज में गंगा हमको दिखाई दे रही है, निर्मल निर्मल जल बह रहा है, हिस्मत हास्य कर रही, यमुना भी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन सरस्वती लोप है, दिखाई नहीं दे रही। जिस प्रकार माताओं की शिखा के अंदर एक धारा लोप हो जाती है, ऐसे सरस्वती भी लोप है। तो मैं निवेदन कर रहा था, अमानिना मान देना, सबसे बड़ा कौन है जो दूसरों को मान देता है, दूसरों को जो सम्मान देता है वो सबसे बड़ा होता, ध्यान रखना। स्वयं सम्मान पाने की जिज्ञासा छोड़ दो, और जब स्वयं जिज्ञासा छोड़ देंगे उस समय दुनिया के लोग आपको मान और सम्मान देने में लग जाएंगे, लग जाएंगे।